अरे वाह, आज पनीर की सब्जी बहुत ही टेस्टी है। कौन से ढाबे से मंगवाई है? जी हाँ, सब बिल्कुल ऐसा ही पूछेंगे जब आप इसे घर में बनाओगे, क्योंकि मैंने इसे फेमस ढाबे से सीखकर, ढाबे वालों की कॉपी करके, उन्हीं के इंग्रेडिएंट्स यूज करके घर में इसे बनाया है, बिल्कुल उन्हीं के तरीके से। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल लिया है, और फिर मैंने उसमें ऐड किया है शाह जीरा, क्योंकि ढाबे वाले शाह जीरा इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप रोज़ जो जीरा यूज़ करते हैं आप वो भी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है दो प्याज बिल्कुल फाइनली चॉप करके। सॉरी गाइज, आपको थोड़ा धुआं दिखाई दे रहा होगा, मैं इस टाइम चिमनी ऑन करना भूल गई थी, तो आई एम रियली सॉरी। तो चलिए रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड किया है दो फाइनली चॉप टमाटर और एक हरी मिर्च। इसे फिर मैंने अच्छे से पकाया है मीडियम फ्लेम पर, ब्राउन होने तक हमें इसे पकाना है। और अब मैंने इसमें डाला है फाइनली चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अदरक लिया था और 5 से 6 लहसुन की कली ली थी और एक हरी मिर्च, और इसे मैंने अच्छे से मीडियम फ्लेम पर पकाया था। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि ये बहुत कम तीखी होती है। और फिर मैंने ऐड किया है सॉल्ट स्वाद अनुसार। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है काजू का पेस्ट। इसमें मैंने 7-8 काजू लिए थे और उसका पेस्ट बना के रखा हुआ था। देन मैंने इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच दूध, और अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। और फिर मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, और फिर मैंने इसमें डाला है 1/2 चम्मच चना मसाला, क्योंकि ढाबे वाले भी इसी का यूज़ करते हैं। और देन मैंने इसमें यूज़ किया है टमाटो कैचअप, 1 से 1.5 बड़ा चम्मच मैंने कैचअप यूज़ किया है यहाँ पे। और अब हम इसमें 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। सब्जी को हमें अच्छे से पकाते रहना है, और आप थोड़ा सा पानी डालेंगे मसालों को पकाने के लिए। बीच बीच में ढाबे वाले भी थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते रहते हैं, इससे जो होता है मसाला अच्छे से पक जाता है। और अब मैंने इसमें डाला है घर का निकला हुआ मक्खन। आप चाहें तो इसमें अमूल बटर भी ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा मतलब फ्लेवर आ जाता है। और अब मैंने ऐड किया है इसमें फ्रेश धनिया की पत्तियाँ, और देन मैंने इसमें ऐड किया है किचन किंग मसाला 1/2 चम्मच, जो कि बाज़ार में आसानी से मिल जाता है किसी भी ग्रॉसरी शॉप पे। और अब मैंने ऐड किया है 1/3 टेबल स्पून सांभर मसाला। ढाबे वाले इन तीनों मसालों को मिलाकर बना के रखते हैं पहले से ही और फिर ऐड करते हैं। इसमें होता है चना मसाला, सांभर मसाला और किचन किंग मसाला। और अब मैंने इसमें डाला है पनीर, जो मैंने हाथ से ही क्रम्पल कर लिया था। ढाबे वाले भी इसी तरह पनीर को घिस कर सब्जी में मिला देते हैं, इससे सब्जी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी मसाला को अच्छे से पकाने के लिए। इसे हमें अच्छे से पकाना है, लगभग 5 से 7 मिनट तक हमें इसे पकाना है। और अब मैंने इसमें ऐड किया है 4 चम्मच मिल्क क्रीम, या आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं। और फिर अब हम इसे पकाएंगे जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता। अच्छे से हमें इसे पकाते रहना है सभी मसालों को। और इसके बाद मैंने दोबारा डाला है घर का निकला हुआ हमारा फ्रेश मक्खन। आप बटर भी डाल सकते हैं, या फिर आप देसी घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये फ्लेवर को बहुत अच्छे से इन्हांस करता है। ये रेसिपी मैंने कल ही सीखी थी उन अंकल से, और मैंने जब इसे कल रात को डिनर में बनाया तो इस सबको बहुत अच्छी लगी, मतलब सबने बहुत तारीफ़ की, ये बहुत अच्छी बनी थी। लिटरली एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। और अब हम ऐड कर रहे हैं हमारा मेन इन्ग्रीडियंट पनीर, मैंने घर में ही निकाला है। आप चाहें तो पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। अब हमारी सब्जी ऑलमोस्ट तैयार है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश क्रीम और ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, और ये हमारी सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे इसे गार्निश किया है कुछ पनीर के पीसेस से, और ऊपर से मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा फ्रेश क्रीम। और
मैंने इसमें डाला थोड़ा सा धनिया पत्ती, फ्रेश हमारा धनिया, और थोड़ा सा हमारा क्रम्बल किया हुआ घिसा हुआ पनीर मैंने इसमें डाला है ऊपर से। और ये तैयार है हमारी पनीर लबाबदार। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छी बनी थी और ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। आप चाहें तो और रेसिपीज़ YouTube पे चेक करें, किसी ने भी इस तरीके से नहीं बनाई है, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।